दोस्तों, एप्पल का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। एप्पल कंपनी एक पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच किया था, और आज 3 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल की दुनिया में सबसे ज्यादा कारण जो रहा है वो है इसका आईफोन, जिससे कंपनी की 60% तक सेल होती है, और दुनिया भर में एप्पल ने मार्केट पर काफी अच्छी पकड़ बनाई रखी है। लेकिन फिर भी एप्पल का यही आईफोन भारत में आकर फेल क्यों हो जाता है, और यही एप्पल की परेशानी का कारण बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत में आईफोन फेल हो रहा है, और क्यों ये भारत से ज्यादा एप्पल के लिए परेशानी की बात है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों, मैं हूं अलफरहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट अल्फा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि एप्पल की भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जहां आईफोन लॉन्च होते ही 2007 में एप्पल ने 10 लाख फोन बेच दिए थे, आने वाले सालों में नंबर तेजी से बढ़ने लगा, और आज आईफोन 11 और आईफोन 12 जैसे मॉडल अकेले 10-10 करोड़ बार बेचे जा चुके हैं। आईफोन 13 भी आज तक दुनिया में अच्छी कमाई कर चुका है। सितंबर 2020 में रिलीज हुआ आईफोन 13 को अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कंपनी के साथ परेशानी यह है कि पहले जब कंपनी 10 लाख फोन बेचती थी तो 20 लाख फोन बेचने को ग्रोथ माना जाता था, जिससे कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगते थे। आज कंपनी की फोन्स की सेल्स 10 करोड़ से ज्यादा जा रही है, लेकिन कई सालों से एप्पल इससे आगे नहीं बढ़ पाया। 10 करोड़ फोन वो भी सेम मॉडल के बेचना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगी तब तक स्टॉक मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं आएगा। इंडिया एप्पल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ हर दिन 63,360 लोग गरीबी से बाहर निकलते जा रहे हैं, और साथ ही साथ 2024 में चाइना को जनसंख्या के मामले में पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा इंडिया। इसके अलावा हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन युवा है, यानी कि यंग है, और इसी वजह से यहाँ ज्यादातर लोग काम करने वाले हैं। इन बातों से तीन चीजें निकलती है। इंडिया में लगभग 130 करोड़ कस्टमर है। ज्यादातर कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास जॉब है, यानी कि पैसा है, और हर साल इतने लोग आकर गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें फोन्स की भी जरूरत पड़ेगी। एप्पल इस बात को समझता है। अमेज़न, उबेर या गूगल जो भी इंडिया में आया उसने बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाया, और अब एप्पल भी इस रेस में है। लेकिन एप्पल हर बार कोशिश करके भी हार जाता है, जिसके कई रीजंस है। एप्पल के पास अपने फोन से पैसे कमाने के तीन रास्ते होते हैं। पहले कि वो पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे लोगों को टारगेट करे, दूसरा ऐसे लोगों को टारगेट करे जो अपने पुरानी फोन से परेशान होकर थक चुके हैं, या फिर तीसरा जो भी कस्टमर उनके पास है उनको ही नया अपडेट बेचा जाए। भारत में तीनों ही रास्ते फेल कर जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि अगर भारत की स्मार्टफोन की मार्केट पर नजर डाली जाए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 75% उन फोन का है जो 18,000 या उससे भी कम कीमत के होते हैं, फिर एक 24% मार्केट जहां 25 से लेकर 50,000 तक के फोन बिक रहे हैं, और बाकी जो 1% यानी कि 1% है उसमें एप्पल और कई बाकी कंपनीज की फोन्स के लिए पॉसिबिलिटी है। एप्पल का बड़ा प्राइस टैग उसे मजबूर कर देता है कि वो छोटे से शेयर मार्केट में कम्पीट करे। इस 1% मार्केट शेयर में वो लोग नहीं आते जो अपना पहला फोन खरीद रहे हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। साथ ही साथ एप्पल के साथ ये परेशानी भी है कि एप्पल पे और एप्पल मैप जैसी सर्विसेज भारत में अच्छे से काम नहीं कर पाती या अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से अभी तक एप्पल भारत में कामयाब नहीं हो पाया। आपके पास कौन सा फोन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।